Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. सुनो चंदा, तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। सुनो चंदा, कहा चंदा, कहा कर दो, अपना ये रेल का इंजन बंद कर दो। क्या क्या बंद करूं? अपना ये बड़ा डायनासोर जैसा मुंह बंद करो। अर्चन! क्या है जिया? तुम्हें सोने की तमीज नहीं है? तुम्हें तमीज नहीं है अपने शौहर को उठाने की? अभी थोड़ी देर हुआ है हमारी शादी को। और रेशमी, कुछ घंटे में तुमने मेरा दिमाग पका दिया। ये खड़ 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 कर दे। बस कर दो जिया, हर बात का इशू ना बना लिया करो। सोने दो मुझे। हाँ तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपने कानों में रुई ठूस लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ। क्यों? साइड दराज में। क्या? रुई रुई। ये मुझे पहले क्यों नहीं पता? पूरी जिंदगी कैसे सोऊंगी? आज रात नहीं सो जा रही। क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी? मुझे नहीं रहना, मेरी जिया रुखसत हो गई। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। नज़ाकत भाई हौसला करो। है कौन सा अमरीका चली गई रुखसत होके? चार पौड़ियां चढ़ के तो उसका कमरा है। पढ़ाई तो हो गई ना। अल्लाह भी जान देख ले नज़ाकत भाई को। अल्लाह अल्लाह करके तो जिया की रुखसती हुई है, और नज़ाकत भाई ने ना फजर के वेले पिट से आपा खोल के नवा कट्टा खोल लिया। शाहना ठीक कह रही है बेटा, हौसला करो। वैसे भी अपने सगे ताया के घर ही तो गई है वो। जमशेद भाई, जब सगे ताया और ताई सास और ससुर बन जाए, फर्क तो पड़ता है ना भाई? क्या फर्क पड़ता है जलाल भाईजान? अचानक जमशेद साहब जो है वो जलाद हो गए, और मैं जो वो डायन हो गई हूँ। हमको क्या पता भाई? ओहो, क्या बच्चों जैसी बातें करनी शुरू कर दी तुम लोगों ने। नज़ाकत बेटा, ब्लड प्रेशर की गोली ली थी तुमने? न रोना तो नज़ाकत भाईजान ने ऐसे डाला हुआ जैसे इन्होंने गोली खाई नहीं, गोली वज्जी हो इनको जाके। नहीं नहीं भाभी, डब्बे में सारी दवाइयां खत्म हो गई हैं। लीजिए बेटा जा, मेरी अलमारी के अंदर मेरा मेडिसिन का डब्बा पड़ा हुआ है ना, वो भाग के ले आओ। बेजान नींद आ रही है। एक घुमाओ के लगाऊंगी ना मैं थप्पड़, सारी नींद उड़ जाएगी। जा रहा हूँ, बंदा खोता हो जाए पर किसी घर में छोटा ना हो। हाय हाय, मेरा दिल बैठा जा रहा है। नहीं होता कुछ, चुप कर जाए। बीजान मैं तो कहती हूँ कि आप ना टाइम से एम्बुलेंस मंगवा ले। शाहना बात अच्छी किया करो तुम। हाय बीजान, मैं तो एहतियाती तदबीर के तौर पे कह रही थी। अच्छा चले, नज़ाकत भाईजान है मेरा वीर, बस ना हौसला करें और अगले 48 घंटे जो है ना किसी तरह गुजार लें। बच्चों का वलीमा हो जाए ना, फिर उसके बाद भले से हार्ट अटैक। शाहना एक लफ्ज भी और बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, एम्बुलेंस आने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना, तो बुला लो, एहतियात अच्छा चीज है। हम तो ऐसे क्या रहता है,
जिया क्या हो गया? जिया क्या बदतमीजी है? जिया जिया पानी पीने जा रहा हूं, प्यास लगी है। आपके लिए तो फिलहाल चुल्लू भर पानी ही काफी है। हुआ क्या? बकवास मत कर मुझे। बकवास करता है किसे? तो तू पागल, ऊपर से तेरी बहन एक ब्रेकिंग न्यूज़। डीजे ब्रेकिंग न्यूज़। हाय डीजे, कोई पैड़ी खबर ना सुनाना, मैंने चपेड़ मार के ना बूची तेरी दूसरे पास लगा देनी है। इसका शक्ल तो चीख चीख कर बता रहा है कि ये खबर दर्दनाक, अलमनाक और खौफनाक भी है। आप तो चुप ही रहे जलाल भाई जान, हर चीज को ना नको नक कर देते। क्या कर देते? क्या हुआ है डीजे, बताओ आराम से। जी आप ही अरसल भैया का बहुत सख्त झगड़ा हुआ है। देखा देखा जाते ही जुल्मों से तुम शुरू मेरी बेटी पर। अरे अब्बा जी, आप ही ने धक्के दे के बाहर निकाला है अरसल भैया को। बड़ी गलत बात है, अरसल ने जरूर कोई पैड़ा करतूत घोला होगा। भाभी देखे, आप जाके देखे जरा अपनी बेटी की अदाएं, करतूते क्या कर रहा है वो। डीजे जाओ, दोनों को बुला के लाओ। आप बेफिक्र रहे, मैं अभी गया और अभी आया। क्या ना, क्या बनेगा इन बच्चों का। अर का मुरब्बा। सिर्फ चार खराटे लेने पे कमरे से निकाल दिया। चाचा अभी तक्के मार मार के। मेरा बेटा बैठ जा, तू बैठ जा। कहता था ना कि बच्चों के सामने मेरे साथ ऐसा मत करो, ये तरबियत की है तुमने उसकी। क्या मैं क्या देखूं? खुद शादी वाले दिन बाल्टियां भर भर के रो रहे थे बेटी की जुदाई में, जाते साथ ही उसने ससुराल में झंडे गाड़ दिए। अब कहाँ है वो? कहाँ होगी चाचा, बैठी अम्मा अब्बा के पास मेरे खिलाफ भड़काने। नहीं नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं होने देंगे, आखिरकार तुम हमारे दामाद हो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इसलिए तो सीधा आपके पास आया हूँ चाची। बेटा तुम फिक्र ना करो, इससे तो कुछ होना नहीं, मैं खुद जाती हूँ। बस बेटा सबर और हिम्मत के साथ, डरना नहीं है वरना मेरी तरह मेडिसिन खाते रहोगे। कर जा मेरी सोनी, हौसला कर है। शाहना तुमने तमीज नहीं सिखाई अपने बेटे को सोने की है? आए जमशेद साहब, जागने और सोने का कोई खास डिप्लोमा होता ना तो सबसे पहले मैंने आपको कराना था अल्लाह के हुक्म से। क्यों, मैंने क्या किया? भाई 22 साल से खराटे मार मार के गले की गरारियां आपने घसा ली और पूछ रहे कि मैंने क्या किया, तो हौसला चेक कर मेरा। ताया जी आप भी? हाँ जी ताया जी भी। पुत्र यहाँ पे आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है, तू जिगरा बड़ा कर, ये कौम नहीं सुधरने वाली। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये फोन साइलेंट करो, कौन फोन कर रहा है? ये गुजरात वाली पीनो तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? खुदा ना खास्ता तुमने से वलीमे पे तो नहीं बुला लिया ना? हाय हाय नहीं बुलाया मैंने जमशेद साहब, उनको छड़े बच्ची का मसला हल करें। देखो शाना, अगर वो ओके वाली सरकार यहाँ आ गई ना तो बड़ा मसला हो जाएगा, बीजान सख्त खफा है इससे। जमशेद साहब आप ना टेंशन ले, नहीं आती वो यहाँ पे, और तू मेरी सोनी कुड़ी है, नीवी नीवी होके ना तू ना बस यहाँ से निकल जा। और मेरी बात सुन, अब अगर अरसल ने अपना बुग्याड़ जैसा मुंह खोला ना खराटे मारने के लिए, तूने लून की वड्डी सारी डली लेनी, सीधी उसकी हलक के अंदर उतार देनी। हाँ अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या उल्टे सीधे मशवरे दे रही हो बच्ची को? बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना, बहुत तकलीफ होती है। शाबाश बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, बहुत देर हो गई, जाओ। हाँ चल 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 परेशान ना होना, मैं जिगर बड़ा कर, गुजारे करने पड़ते हैं। जैसा खुद करती है बच्ची को भी वही सिखा रही है। अब खानदान में खराटे लेने का मसला है तो क्या करें, कहाँ जाए? तमीज से शोहर है तुम्हारा, चुप। मैंने कुछ नहीं किया।
अम्मा क्या हो गया, मैंने नहीं किया था। मैं अभी बताती हूँ, समझाए इसे। आप फ्री रहे तुम पर, पहले दिन ही तुमने शादी का आगाज झगड़े से किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे भाई नहीं नहीं माँ, आराम से बात करो भाई। तुम एक काम करो, इसे अपना दुपट्टा दो ताकि तुम अरसल का गला घोट दो और वो खराटे ना ले बेटा। बल्कि मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है, ठहरो। ये लो स्कॉच टेप, उसके मुंह पे लगा दो ताकि वो बेचारा सांस ही ना ले सके और मैं भंगड़ा डालती फिर ना पूरे घर में। आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? सच्ची। और तुमने ये तक नहीं सोचा कि भाई और भाभी क्या सोचेंगे? मैंने ये तरबियत दी है तुम्हें? जी बेटा, अरसल तुम्हारा शौहर है, तुमने पूरे खानदान में उसको गंदा कर दिया। अरे भाई खराटे ले रहा था, कौन सा मिसाइल छोड़ रहा था वो, क्या बदतमीजी की हद है भाई। आप दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा तुम्हारा, अब हम सिर्फ और सिर्फ अरसल की सुनेंगे, इस घर का दामाद है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे नजाकत। जी बेटा, सब्र तहमुल और बर्दाश्त के साथ काम लो बेटा, बिल्कुल मेरी तरह। उसने मेरे साथ बदतमीजी की। हाँ हाँ, तुम तो जैसे बड़ी नेक परवीन हो, अच्छी तरह जानती हूँ कितनी लंबी जबान है तुम्हारी। बेटा हमसे तो मत रखना कि हम तुम्हारी हर गलत बात पर तुम्हारा साथ देंगे, हम बिल्कुल भी ऐसे माँ बाप नहीं है, समझी? समझाओ इसे। और सुनो मेरी बात, तुम नजाकत की बेटी हो लेकिन अपनी नजाकत है ना इस कमरे में छोड़कर जाना, समझी तुम? जाओ जाके सॉरी करो। मैं किसी से सॉरी नहीं कहूंगी। नहीं बस ये तमाशे लगे रहेंगे और मुझे हार्ट अटैक होता रहेगा। जल्दी से जाओ सॉरी बोल दो, मुझ पर ना हार्ट अटैक हो जाए। क्या गई? सही है, बस कर दो। चलो अब मेडिसिन खा लेता हूँ। हाँ हो सकता है कि हो ही जाए अटैक। किने तंग करके रख दिया। अरसल, अरसल, I'm sorry. बात मत करो मुझसे। I'm sorry ना। जी है, जो तुमने हरकत की है ना सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा मैं। और जो तुम कल रात से मेरे साथ ज्यादतियां करते आ रहे हो उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ कौन सी ज्यादती, क्या किया मैंने? एक तो तुमने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी, ऊपर से तुमने पूरी रात ट्रैक्टर चला दिया अपने खराटों का। हाँ एक मिनट, कौन सी मुंह दिखाई? जो लड़की को मिलती है शादी की रात पर, जो हर लड़की का हक होता है। अरसल ये लाखों दफा देखा हुआ मुंह, इसमें क्या दूं मैं? शर्म नहीं आती इस किस्म की बकवास करते हुए? तुम्हें आई थी? इतनी छोटी सी बात के पीछे सारे घर वालों के सामने मेरा तमाशा बना दिया, क्या सोचते होंगे वो? क्या हो गया? यही सोच रहे होंगे कि देखो बेचारी बच्ची पर कैसा अजाब नाजिल हो गया खर्राटों का। अच्छा नहीं, अजाब नाजिल हो गया ना, तो ठीक है मैं अपना ठिकाना कहीं और कर ले, तो तुम यहाँ अकेली रहो। अरसल बचे, वही 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 थोड़ा सा इधर आओ, इधर इधर इधर। वो अरसल बोलचे, वो एक शेर था, बड़े बेरे आबरू होकर तेरी कोची से हम निकली। वो इसका पहला मिसरा क्या था? पापा मुझे नहीं याद, अभी ज्यादती ना करें आप। ज्यादती? ये जो तुम कहीं और का गुस्सा कहीं और पे निकलता है, ये ज्यादती नहीं है। मुझे किसी पे गुस्सा नहीं है, अभी गलत अंदाजे ना लगाए आप। अच्छा जी, तो ये जो तकिया लेकर तुम बार मटर गश्ती करता है, ये किस मर्ज का दुआ है? जाओ अपने कमरे में। तकिया ही ले आया हूँ साथ, दिमाग प्यार हो गया ना पापा, पानी नहीं चल रहा, पानी पीने जा रहा था। अच्छा वाह भाई वाह, जैसे हमने कराची देखा ही नहीं है।
मुझसे अलग होकर नींद आ जाएगी तुम्हें? मेरी नहीं, अपनी बात करो। मैं तुम्हारी खातिर कॉटन बर्ड्स रखकर मैं कोशिश कर सकती। जिया, आई एम सॉरी, बहुत बुरी हो। शादी क्यों की थी मुझसे? क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। एवी, में तुम अच्छे नहीं हो। मैं चला। अरे मैंने सुना है, तुम क्या सो रहे हो? असल नहीं, नहीं तोड़ा मेरा। जिंगा चाय। जिंग जिंगा किचि। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। कैसी है? अमान वाली बात बताऊं आपको, सवेरे सवेरे आपके हाथ की दूध पत्ती पीने का स्वाद ही कुछ और है। दीदी तो ना अभी तक अरसल और जिया की शादी की थपकन ही नहीं उतरी। अच्छा जी, बस हुनी तुसी एक ही बारी आराम करना। करने लगा हूं मैं बेबे को फोन, बेबे ने आके कर देनी है हमारी शादी की बात पक्की। अरे अल्लाह सच्ची। हाँ, इस जोजी लंबरदार का तो अब एक भी दिन आपके बताओ अनपॉसिबल है। जोजी, ये बेशर्मी और बेहयाई का खास डिप्लोमा तूने चीचा वतनी से किया या बिल्लो बांदरी की सोबत का असर हो गया तुझ पे? ओए, ओ मंगेतर है मेरी, हक है मेरा इस पे। Why are you jealous, हैं? छनो। खासमानो खाओ तो से दो में। मैं जाके ना अभी चाची नगीना को बताती हूँ तू यहाँ बैठ के क्या करतूत घोल रहा है। फसाद डलवाने के अलावा और आते ही क्या है? छनो। और चुप कर नहीं, आराम नाल बे, हैं? सादी कोड़ के लिए तिश्ती रे आनु छपे। क्या मतलब? ये जो मतलब है ना इस बात का, ये तुम्हारा जो लंबरदार बैठा है ये तुम्हें बताएगा, या चाची नगीना ना चीचा वतनी से आके चंगी तरह समझाएंगी तुमको। बताती हूँ मैं जाके। ओ डिगी खोती तो ते गुस्सा कम यार ते। क्या मतलब? ओ एवी छड़ो बिल्लो जी। अच्छा सी की गल कर रहे से? हाँ, अकॉर्डिंग टू माई ओन प्लान मैं सोचा अपने वलीमे ते मैं 40 देगा मतंजन दी पकवानियां ने पूरे का पूरे चीचा वतनी में तुम्हें मत जानी है तुम्हें। आये लजी जो जी नंबर वन, बिल्लो नंबर वन। आहा हा, इंजॉय। नगीना चची गाल सुनो मेरी तुसी, हैं? जे तुहाड़ा मुंडा है ना जोजी, डंगर वांगो लंबा हो गया है, लेकिन अकल माती से कोई नहीं आई है। लाखों रुपया यहाँ पे लुटा रहा है वो डोई के मुंह वाली बिल्लो बांदरी के ऊपर। मैं तो बता रही हूँ नगीना चाची, आपकी जो ट्रालियां ट्रैक्टर जमीने जदादे है ना, इन सब का सौदा होया के होया। ये करना क्या है, तिनी मिंटी बोरिया बिस्तरा बनो, गोली मंगो आओ कराची, आके अरसल के वलीमे का जरदा खाओ, तो जुतियां मारते लेके जाओ जो जिनो तुम आहो। हाँ हुन रखनी हूं मैं फोन, खुदा हाफस बच्चू। जो जी हुन तेन पता लगेगा, आ रहे ने नगीना चाची नगन बन के, आके ऐसे ऐसे डंक मारने ना तेरा तन मन नीलो नील हो जाना। जिया उठो, 11 बज रहे हैं। जिया ना, उठो चाय बना के। जिया 11 बज रहे हैं ना, चाय बना। जिया की बच्ची, चाय बना के दो ना। के ताया अम्मा से कह दो ना। जिया शादी के बाद भी मैं अम्मा से कहूं? बीवी हो तो मेरी चाय बना के दो। जिया, बच्चे पहले तुम्हारी खराटों ने मुझे सोने नहीं दिया, अब तुमने रात बजा दी, नहीं करो तंग। गुजर गई है ना रात, चलो उठो जाओ चाय बना के। मुझे नहीं रहा सोने तो। जिया बहुत भूख लगी है।
वैसे घूर के मत देखो, बहुत भूख लगी है, प्लीज जाके बना दो। रिक्वेस्ट। मुंह तुमने धोया नहीं, दस्त मेरे किया है और तुम्हें चाहिए चाहिए। दिया टोस्ट भी दो प्लीज, ऑमलेट भी, चीज भी डाल देना थोड़ा सा। चाहिल जिया, यहाँ क्यों बैठी हो, क्या कर रही हो तुम? और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? असल के बच्चे के लिए बैटी बनानी थी। शर्म करो जिया, शोहर है वो तुम्हारा। पिछले 24 घंटे 24,000 दफा ये पूरा घर मुझे बता चुका है कि वो मेरा शोहर है। और तुम इस तरह कहां जा रही थी? नई नवेली दुल्हन ऐसे तैयार होती है? जाओ जाकर सलवार कमीज पहनो, ढंग के ज्वेलरी पहनो। मैं भी सोके उठी थी ना, तो यही पहनूंगी ना। और मेरी शादी हुई है, कोई अजाब तो नहीं नाजिल हुआ ना मेरी जिंदगी में? जाओ, शादी हो गई है, आराम से बात करें ना। ढंग से तैयार हो के आना। मिठू वेक, ट्रेन रुक गई है। बेबे कदोदी रुक गई है, ते सब चले भी गए, तेरे खौफ ही नहीं मुकदे। चल चल पुत्र, समान काबू कर ले। हे चंगा है, एक दो तीन, अल्लाह अकबर। आ जा मेरा पुत्र। और रहन दे बेबे, मैं आप भी आ जाऊंगा। अच्छा क्यों तटे बाफड़ा? ए लो आ जा रहन दे रहन दे, बेबे डिग जाने रहन दे। चल चुक समान। देखो कौन जिया, देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम मीजान। अस्सलाम वालेकुम मीजान। हमारे कमरे में? हाँ क्यों, तुम्हारे कमरे में आना मना हो गया क्या? वीजा लगवाना पड़ता है क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मीजान, कल आप लोगों ने बहुत ज्यादा की थी मेरे साथ। ये तो मैं खुद चलकर तुम्हारे कमरे में आई हूँ तुम्हारे पास। भीजन आप बैठे ना, खड़ी क्यों है, इधर बैठे। तुम्हारे कमरे में कोई इंसानों के बैठने की जगह है भी? भीजन असल में भीजन, मैं बताती हूँ, ये सारा गंदा इस अरसल ने फैलाया है। बुरी बात ऐसे नहीं कहते, ये तुम्हारा शौहर है। जिया शौहर हूँ मैं तुम्हारा, जरा देख लिया करो। और ये क्या, साफ कर दो ना अब। और ये क्या उलिया बनाया हुआ है बीजान, ये इसे कहे ना ये। क्यों मेरे उलिया को क्या हुआ है बीजान? नाइट सूट है बीजान, एक दिन की दुल्हन है, कहीं से लग रही है। आप बता दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप बता दें। तो मैं लहंगा पहन के बैठ जाऊं या न तो टीका चढ़वा लूं ताकि पूरे महीने लगती रहूं मैं नई नवेली दुल्हन? वैसे बच्चा ठीक कह रहा है जिया, वलीमे के मेहमान आने वाले हैं, क्या कहेंगे तुम्हें इस हुलिये में देखकर? जाओ शाबाश, जाओ चेंज करो। लेकिन बेजान गलीमा तो कल है ना, तो आज किस खुशी में आ रहे हैं मेहमान? बहस करनी, कह रही है मेरे कहने पे नहीं, बेजान के कहने पे बदल लो मैं। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम,
कम अज कम नई नवेली दुल्हन तो लगे ही। बेचाना आपको पता है ना मैं नहीं पहनती भारी भारी जोड़े, देखा है कभी आपने? जी हाँ बेटा, असल की बात माना करो, शौहर है ये तुम्हारा। थैंक यू बीजा। और ये लो, कल रात को इतनी अफरा तफरी थी मैं तुम्हारी सलामी देना ही भूल गई, ये तुम दोनों की सलामी है। थैंक यू बीजा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आदाब, आदाब करो, करो, करो। आदाब, बीते रहो मेरे बच्चे, खुश रहो, दूधो नहाओ पोतो। शुक्रिया बीजा। और सुनो, जल्दी से तैयार होके नीचे नाश्ते पर आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। बस बीजा, ये जिसका टाइम उसको लगना है, मैं तो तैयार। तुम तैयार हो तो इधर मेरा लिफाफा दो, मेरा लिफाफा दो इधर। तुम कैसे कराई चल रही है? बकवास बंद कर मुटे, तू पहले मेरा वॉलेट वापस कर जो दूध पिलाई पे लिया, जल्दी कर। वो खाली वॉलेट, दिल पे लिखी है चीप हरकत। तुझे बढ़ावा देता, शक्ल देखी है तूने अपनी, खाली था। अच्छा नीचे सब इंतजार करे नाश्ते के लिए। अरे निकल यहाँ से, शक्ल गुम कर अपनी। चुम्बक को पड़ गए मूड। पीछे जो, मैं तुम्हारे भाई को भी मार दूंगा, मैं तुम्हें भी मारूंगा। अब मुझे तैयार। चोर बेबे बहुत भारी है बेबे। कोई नहीं भारी, देसी घी खांदा है। चल आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, कुछ नहीं होंदा, चलदा जा। बहुत भारी है, चूरी खिला दे। चूरी कार जाके खाएगा, चल चल। ओ ओ बेबे बहुत भारी है बेबे। छनो फोन नहीं चुक रही। ओह पुत्र, तू तो टैक्सी छक्सी कर। बेबे किहड़ा वाला? ओ पुत्र, ओ जड़ा ओ मीस ना, ओ खलोता है ना। हुण गया तू ना आया। अरे छनो, कहीं इसने मुझे ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डाल दिया? ये क्या जूतों के चक्कर में डाल दिया मुझे? अच्छी भली चपली होती थी मेरी, ये जहर लगते हैं ये चश्मे बांधना मुझे। अच्छी बात है कि तुम अपने उन कुर्तों से और जीन्स और चप्पलों से बाहर निकले हो, अब तुम अच्छे लगोगे ना, देखो अभी भी कितने प्यारे लग रहे हो। क्या देख रहे हो? क्यों ना देखूं? शराई कानूनी समाजी इखलाकी हक रखता हूँ ना, शादी हुई हमारी। Don't tell me हर्षल जमशेद अली कि तुम मेरे हस्बैंड हो, क्योंकि पूरा घर मुझे ये बहुत बार ऑलरेडी बता चुका है। और फर्क तुम पे फिर कोई नहीं पड़ता, काफी ढीठ हो तुम। नहीं तो क्या करूं, गले में पट्टा बांधकर घूमूं जिस पे लिखा हुआ हो कि मैं अर्सल जमशेद अली की बेगम हूं? पट्टा ना डालो, लेकिन सबके सामने इज्जत से बात कर ही सकती हूँ मेरे साथ। नहीं इज्जत ना अर्सल जमशेद अली साहब, अगर आपकी जान पर ग्रह ना गुजरे तो हम नीचे चलें, सब हमारा बहुत इंतजार कर रहे हैं। वे आर रेडी, रियली वेरी। कितनी प्यारी लगती हो ऐसे बात करते हो। और आप कितने प्यारे लगते हैं, जब आप मेरे मुंह पर इतना झूठ बोलते तो बहुत प्यारी लगते हैं। चलो रुक जाओ, मुझे दुपट्टा तो लेने दो, इससे पहले कि सारी की सारी खवातीन मुझे आंखों ही आंखों में निकल जाएंगी। चाय ताई जी, मेरा नाश्ता भी कहते हैं, बहुत भूख लग रही है। हां हां, तेरा नाश्ता भी सोइए ले, चीज के बगैर बनाया तेरा अंडा। थैंक यू। चाची इसे कह देना मुझे पराठा दे दे। जी आप पराठा दे। अम्मा आप खुद इनसे क्यों नहीं कह देती कि हाथ आगे बढ़ाकर पराठा ले लें? जी सॉरी, बहुत गर्म था। कोई बात नहीं।
चाय डाल दी। नीला थोता ना डाल दूं इसमें थोड़ा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जिया बीबी सारा घर मेरे साथ है, ढोल थमा दूं मैं। बस ये जोजी और जलाल दिखाई नहीं दे रहे। भाई आगा जी, जोजी है ना वो तो इश्क के नशे में टूनू आवा है, और जलाल भाई ना आज सवेरे सवेरे खैर से ना जागिंग के लिए निकल गए थे, दुआ करे सीधा पेशावर निकल जाए। है भाई आपसे ना बड़ी जरूरी गल करनी है अकेले में, जमशेद के बारे में, जरा आ जाए जरा मेरी बात सुन ले। मैं कह रहा था नाश्ता कर लूं, मैंने दवा खानी है ना बाद में। अरे जाओ ना, बुला रही है इतनी देर से। अब जी आ गया, कोई खाए ना, मैं आ रहा। नजाकत भाई गल सुन, बह जाओ आराम नाल। इत क्या हुआ है भाभी, सब खैर तो है? वो हाँ, वो बस मैंने ना आपको जरूरी इतला देनी थी, फौजे पहुंचने वाली है, बंदूके जो है ना वो चलने वाली है, और ना वो धमाके होने वाले हैं। मैं तो फिर बीमार ही हूँ, फिर भी सब खैर तो है ना? हुआ क्या? वो ना वो पीनो आ रही है गुजरात से। बह जाओ नजाकत भाई। परी आ रही है? ओ मेरे खुदाया, उसको किसने बुलाया? वो ये आपकी परजाई ने बुला लिया, जज्बाती होके मैंने कार्ड डाल दिया था, मुझे क्या पता था। अब आपको तो पता है ना कि वो पीनो चलता फिरता इमोशनल बम, मैं पहुंच गई। भाभी आप ना मेरा घर तबाह करने पर तुलिए मैं दवा खा लूं। हाय नजाकत भाई, मैंने क्यों आपका घर तबाह करना है? आप ना फजूल बातें ना सोचे, और ये बताएं कि नीमा मीसनी को कैसे पता चलना है कि आपकी और पिनो की रुक के बाजी चलती थी है? याद है आपको? फिर कैसे खातिर तवाजो की थी बी जान ने आपकी छित्रों से, हैं? याद है ना? तुम कमरे में चलो। जिया कमरे में चलो। पागल हो गया, हाथ छोड़ो मेरा। क्यों छोड़ूं? तुम क्या बदतमीजी कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर? क्या कर रहा था? एक पराठा ही तो मांगा खाली तुमसे। पराठा नहीं, जस्ट योर पेरेंट्स। जिया पागल हो गई हो? जिया पिनो रात एक ब्रेकिंग न्यूज़ फिर से टॉम एंड जेरी। चुप जा, चुप। अभी तुम मुंह की बैंड बताएगी अब?
को। चले देख लूंगा तुझे भी और मोटू तेरी बहन को भी। बस नजाकत भाई आपने एक काम करना है, आपने हर गल से ना साफ मुकर जाना है। मैं मुकर गया? कोई नहीं, वैसे है कहाँ वो? ना आपको क्या है कि वो कहाँ पे? नजाकत भाई आपने ना बीजान को पट्टा, मेरा मतलब है कि बीजान को ना आपने संभाल के रखना है। मेरे ताई की इकलौती कुड़ी है, उसकी बिस्ती नहीं होनी चाहिए। चूची की फर्स्ट कजन भी है, मेरे पुत्र का वलीमा है, मेरे पुत्र का वलीमा नहीं तबाह होना चाहिए। भाभी मैं ना नींद की गोलियां खा के ना सोने लगा। आए है नजाकत भाई, आपने नहीं खानी नींद की गोलियां, मैं तो कहती हूँ बीजान को खिला देते हैं नींद की गोलियां। है चंद घंटे तो हमारे स्कूल से गुजरेंगे ना। हाँ मैं करता हूँ कुछ। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। कह तो रही हूँ ना कसूर हो गया मुझसे। मैंने ना बी जान की जिद में डाला था कार्ड जोजी मनुज को और स्पिनो को। मुझे क्या मालूम था दोनों आ जाएंगे यहाँ पे मेरा कलेजा साड़ने के लिए। आप ना भाभी आगा जान से बात करें, वो इस तूफान को संभाल लेंगे, मेरे ठंडे पसीने छूट गए हैं। नहीं नहीं वो कहाँ से संभाल लेंगे, वो तो आजकल खुद बी जान के मुशीरे खास बने बैठे। वो क्या कहते हैं उसको, खाटे का गवार डड्डू। अल्लाह का नाम लिया आपने आगा जान को डड्डू ही कह दिया। ना सच्ची बात बताए नजाकत भाई, लगते नहीं डड्डू आपके, देखिए आपने डेले यूं करके। हाँ वैसे थोड़े थोड़े से लगते हैं। अच्छा अब आपने ना मेरी चुगली नहीं लगा देनी जाके बीजान को, आप जाके ना बीजान को संभाले, मैं जाके आगा जी को देखती हूँ। हैं सही हो गया। मुझे कौन संभालेगा, मैं कौन कौन सी दवा खाऊं? परी मरी असल जमशेद अली, ये जो तुमने आज थर्ड क्लास हरकत की है नाश्ते पर दामाद बनने वाली, ये किस खुशी में थी? जो तुमने मछली की बीवियों की तरह सर झुका के मेरी हर बात मानी है, मुझे बड़ा मजा। ये क्या कर रही हो जिया, ये ज्वेलरी क्यों उतार रही हो, इतनी अच्छी तो लग रही थी। थी से क्या मुराद थी आपकी? दुपट्टा और ये ज्वेलरी सूट करती है, तुम्हें इतनी अच्छी लग रही थी, हमें उतारती हो तो क्या मैं अब अच्छी नहीं लग रही?